स्टूडेंट वेलकम टू इन शांति कोज ऑनलाइन क्लास। बच्चों आज हम करेंगे चैप्टर 9 हैव मर्सी। एंटोनियो वॉज अ रिच मर्चेंट ऑफ वीनस। एंटोनियो रिच मर्चेंट था, व्यापारी था वीनस का। हीज फ्रेंड बेसिनो वॉज डिसपरेटली इन नीड ऑफ मनी टू कोर्ट पोर्शिया, अ वेल्दी लेडी हु लिव्ड इन सिटी ऑफ बेलमोच। पर्सिया जो उसका फ्रेंड था बेसिनो, वो उसको मतलब पैसे की ज़रूरत थी, क्योंकि वो एक जो पोर्शिया थी जो कि बेलमोट सिटी में रहती थी। वैसीरो आस्क एंटोनियो फॉर अ लोन इन ऑर्डर टू ट्रेवल टू बेलमोट। उसको बेलमोट जाना था पोर्शिया से मिलने के लिए, तो उसने कहा कि मुझे कुछ पैसे चाहिए। एंटोनियो अग्रीड बट वॉज अनेबल टू प्रोवाइड द लोन। उसने बोला कि बट मैं लोन चुकाने में असमर्थ हूँ, बिकॉज हिज ओन मनी वॉज ऑल इन्वेस्टेड इन अ नंबर ऑफ मर्चेंट शिप्स दैट वॉज स्टिल एट सी। उसने बहुत पैसा खर्च कर दिया है अपने शिप्स पे जो कि अभी भी नदी में समुद्र में है। सो ही सजेस्टेड द मेसिनो टू ऑब्टेन द लोन फ्रॉम शाइलॉक ऑन वन ऑफ द सिटीज वेश मनी लैंडर्स एंड नेम्ड एंटोनियो एज लोन्स गारंटर। द अप्रोच्ड शाइलॉक फॉर द लोन। शाइलॉक हैड ओल्ड एनमिटी ऑफ एंटोनियो। वो एंटोनियो का दुश्मन था पुराना पहले से। एक्चुअली एंटोनियो ऑलवेज क्रिटिसाइज शाइलॉक एंड अदर ज्यूज फॉर देयर प्रैक्टिस ऑफ लोनिंग मनी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। वो लोगों को लोन देता था हाई रेट के इंटरेस्ट पे, ब्याज के साथ। ऑल्दो एंटोनियो रिफ्यूज टू अपोलोजाइज फॉर हिज बिहेवियर, शाइलॉक एक्ट एग्रीबली एंड ऑफर टू लैंड बेसिनियो 3,000 डुकेट्स विद नो इंटरेस्ट। उसने बोला 3,000 मुझे चाहिए, वो भी बिना इंटरेस्ट के। हाउएवर शाइलॉक एडेड दैट इन केस बेसिनियो कुड नॉट पे द लोन। उसने बोला अगर बेसिनियो तुम लोन पे नहीं करोगे तो एंटोनियो को एंटोनियो वुड हैव टू गिव अ पाउंड ऑफ हिज ओन फ्लैश। उसको अपने ही बॉडी का एक मांस का टुकड़ा मुझे देना होगा। आफ्टर द लोन वॉज सिक्योर्ड एंड पोर्शिया एंड बेसिनियो वर मैरिड। जो पोर्शिया और बेसिनियो थी उन्होंने शादी कर ली। एंटोनियो हैड दैट हिज शिप वर लॉस्ट एट सी। एंटोनियो ने सुना कि जो उसकी शिप्स थी वो सी में खो गई। ही देयरफॉर फॉरफिटेड हिज पाउंड टू शाइलॉक हु इंसिस्ट ऑन गेटिंग हिज पाउंड ऑफ फ्लैश। अब उसको डर था कि शाइलॉक उससे इंसिस्ट करेगा कि उसको मांस का टुकड़ा उसका चाहिए। शाइलॉक इग्नोर द मैन ही प्लीज टू स्पेयर एंटोनियोस लाइफ एंड अ ट्रायल वॉज कॉल्ड टू डिसाइड द मैटर। द ड्यूक ऑफ वेनिस हु प्रिसाइडेड ओवर द ट्रायल अनाउंस दैट ही हैड सेंट फॉर अ लीगल एक्सपर्ट हु टर्न आउट टू पोर्शिया डिस्कस एज। उसने मतलब वो वकील के पास गया और वहाँ पे जाके कोर्ट में उसने सुनवाई करवाई। फिर पोर्शिया आई उसकी हेल्प करने के लिए, यंग्समैन ऑफ लॉ। वो पोर्शिया बदल के आई अपना वेस। पोर्शिया ट्राइड हर बेस्ट टू कन्विंस शाइलॉक। पोर्शिया ने पूरा बेस्ट किया शाइलॉक को कन्विंस करने के लिए दैट ही शुड नॉट टेक मनी इंस्टेड ऑफ टेकिंग द फ्लैश ऑफ एंटोनियो। बट शाइलॉक स्टक टू हिज बॉन्ड एंड आस्क दैट ही नीडेड ओनली द फ्लैश ऑफ एंटोनियो। वो खाली ये बोल रहा था कि वो खाली एंटोनियो का ही मांस का टुकड़ा लेगा। बेसिनियो वॉज रेडी टू गिव शाइलॉक 10 times द सम ही हैड टेकन हैज लोन। बेसिनियो ने कहा कि जो भी हमने तुम्हें लोन लिया है तुमसे, वो 10 गुना ज़्यादा तुम्हें दूंगा। बट शाइलॉक हैड नो मर्सी फॉर एंटोनियो। लेकिन उसने बिल्कुल माफ़ी नहीं थी उस एंटोनियो के लिए शाइलॉक के पास। फाइनली पोर्शिया आस्क शाइलॉक टू कट द फ्लैश फ्रॉम एंटोनियोज बॉडी। पोर्शिया ने कहा शाइलॉक से कि तुम उसकी बॉडी का मांस का टुकड़ा ले लो। बट शी पुट फोर्थ सम कंडीशन, लेकिन कुछ कंडीशन है। शी टोल्ड शाइलॉक, उसने शाइलॉक से कहा यू मे कट द फ्लैश फ्रॉम द बॉडी ऑफ एंटोनियो बट ही कैन नॉट टेक इवन अ सिंगल ड्रॉप ऑफ ब्लड फ्रॉम हिज बॉडी बिकॉज इट इज क्लियरली रिटन इन द बॉन्ड दैट ही फेल्स यू विल टेक ओनली 1 pound ऑफ फ्लैश फ्रॉम हिज बॉडी। उसने बोला कि जो उनका जो डील थी, जो उनकी डील पक्की हुई थी, उसमें ये लिखा था कि तुम सिर्फ उसकी बॉडी का मांस लोगे, एक भी बूंद खून नहीं गिरना चाहिए, ये चीज़ उसमें नहीं लिखा हुआ था। शी सेड फर्दर इफ़ यू कैन कट द फ्लैश विदाउट एनी ब्लीडिंग, अगर तुम बिना खून के गिराए, बिना ब्लीडिंग के मांस कट कर लेते हो, यू आर अलाउड टू कट द फ्लैश, तो तुम्हें परमिशन है, तुम मांस ले सकते हो। बट इफ़ देर इज अ ब्लीडिंग यू विल बी पनिश फॉर इट, अगर ब्लीडिंग हुई तो तुम्हें इसलिए पनिश किया जाएगा, सजा मिलेगी। शाइलॉक डिसाइडेड दैट ही वुड नॉट टेक फ्लैश। शाइलॉक ने डिसाइड किया कि वो मांस का टुकड़ा नहीं लेगा। ही आस्क पोर्शिया दैट ही जस्ट वॉन्टेड द अमाउंट ऑफ हैड गिवन एज लोन। उसने बोला पोर्शिया से खाली उसको वो पैसा
दिए थे जो उसने लोन पे जो लोन के लिए दिया था। पोर्शिया सेड अकॉर्डिंग टू द लॉ, पोर्शिया ने बोला कि कानून के हिसाब से, लॉ के हिसाब से, इफ़ एन एलियन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सीक द लाइफ ऑफ एनी सिटीजन एंड इफ इट इज प्रूव्ड हाफ ऑफ हिज गुड्स डोनेटेड टू विक्टिम एंड द अदर हाफ कम टू द स्टेट, उसने बोला अगर ऐसा होगा तो फिर तुम्हें जो अपनी जो भी तुम्हारी जो जायदाद है उसका आधा हिस्सा डोनेट करना पड़ेगा और आधा हिस्सा उस विक्टिम को देना पड़ेगा। नाउ शाइलॉक गॉट स्केयर्ड, अब शाइलॉक डर गया। ही स्टार्टेड रिक्वेस्टिंग एंटोनियो फॉर पैडन, उसने एंटोनियो से माफ़ी मांगी। एंटोनियो वॉज ए मर्सीफुल पर्सन, वो अच्छा पर्सन था तो उसने उसको माफ़ कर दिया। ही सैड दैट आई डू नॉट नीड हाफ ऑफ हिज गुड, उसने बोला कि मुझे आधा हिस्सा नहीं चाहिए। आई एम अ कंटेंट मैन सो प्लीज माई लॉर्ड द ड्यूक एंड ऑल द कोर्ट ऑफ लेट शाइलॉक गो, उसने बोला कि इसको जाने दो, आई फॉरगिव हिम। शाइलॉक वॉज अशेम, शाइलॉक बहुत अशेम फील कर रहा था, बट ही हैड नोन द इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरगिवनेस और मर्सी, हाउ मर्सी हाउ ऑन शो इज मैडनेस बाय गिविंग एनीवन, अब उसको इम्पोर्टेंस पता चली माफ़ी की, क्योंकि एंटोनियो ने उसको बाद में वहाँ से जाने के लिए कह दिया था। व्हेन आई डू गुड आई फील गुड, अगर आप अच्छा करोगे तो अच्छा फील करोगे। व्हेन आई डू बैड फील बैड, अगर आप गंदा काम करोगे तब बुरा फील करोगे। एंड That is my attitude of having mercy, ये मेरा माफ़ी मांगने का तरीका है। अब बच्चे से क्वेश्चन से देख लीजिए, What did Bassanio ask Antonio why? Bassanio asked Antonio for a loan in order to travel to Belmore to meet Portia. What agreement did Shylock make his Antonio? क्या agreement हुआ था? Bassanio could not pay the loan. Antonio would have to give a pound of flesh. What did Shylock insist on getting his pound of flesh, उसको बार बार मांस के टुकड़े लेने के लिए उसको इंसिस्ट कर रहा था। What did Portia try to convince Shylock, उसने कैसे कन्विंस किया शाइलॉक को, उसने कैसे कन्विंस की कोशिश करने की। Portia tried her best to convince Shylock that he should take money instead of taking the flesh of Antonio, उसने बोला कि एंटोनियो का फ्लैश लेने के बजाय वो उससे पैसे ले ले। What was Bassanio ready for? Bassanio किस चीज़ के लिए रेडी हो गया? Bassanio was ready to give Shylock 10 times the sum he had taken as loan. What condition did Portia put in front of Shylock? Shylock के सामने वो क्या condition लेके आई Portia? She told Shylock, "You may cut the flesh from the body of Antonio, but you cannot take even a single drop of blood from his body because it is clearly written in the bond and that if he fails you will take only 1 pound of flesh from this body." Why was Shylock scared? Why was he ashamed then? 6. देखिए क्यों डर गया था वो। According to the law, if any alien directly or indirectly see the life of any citizen and it is proved half of his good and denoted to victim and other हाफ कम्स टू द शाइलॉक, नाउ शाइलॉक गॉट स्केयर्ड, ये सुन के वो डर गया था। अब उसने अशेम क्यों फील कर रहा था? शाइलॉक वॉज अशेम बट ही हैड नोन द इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरगिवनेस और मर्सी एंड हाउ नो शो हिज माइटनेस बाय फॉरगिविंग एनीवन। अब बच्चे इसकी फिरिंदे ब्लैंक देख लीजिए। एंटोनियो वॉज अ रिच मर्चेंट ऑफ वेनिस, शाइलॉक हैड ओल्ड एनमिटी ऑफ एंटोनियो, पुराना दुश्मन था वो उसका। एंटोनियो वुड हैव टू गिव अ पाउंड ऑफ हिज ओन फ्लैश, शाइलॉक इग्नोर द मैनी प्लीज टू स्पेयर एंटोनियोज लाइफ, शाइलॉक हैड नो मर्सी फॉर एंटोनियो, ही स्टार्टेड रिक्वेस्टिंग एंटोनियो फॉर पैडन। और इसके ट्रू एंड फॉल्स देख लीजिए बच्चों, ये आपको अपनी कॉपी में करने हैं। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।